Hi guys, welcome to your fourth Java tutorial in Hindi. Right, इस tutorial में मैंने जैसे आपको promise किया था आपको int का types मतलब int के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं वो आपको समझाऊंगा और string भी समझाऊंगा कि string क्या होता है. Right, basically अभी शुरू करते हैं int के साथ. अभी आपको पता है कि int का identify x मतलब variable जो है x और उसका वैल्यू है 10 मतलब डेटा है 10. एक और चीज़ मैं आपको कल पिछली बार कहना भूल गया कि हम वेरिएबल को वेरिएबल क्यों कहते हैं. हम वेरिएबल को वेरिएबल इसलिए बोलते हैं, वेरिएबल का मीनिंग क्या है, वेरिएबल का मीनिंग ये है कि चेंज होना. मतलब अगर मेरा कैसे बताऊँ, 10 इसी के साथ मैं आपको मतलब समझाऊंगा. x का वैल्यू 90 भी हो सकता है, x का वैल्यू 100 भी हो सकता है, x का वैल्यू 10 भी हो सकता है, x का जो है कोई लिमिट नहीं. मतलब ये कोई इसको रोक नहीं सकता कि भाई इसका वैल्यू कितना होगा. मतलब x का जो है वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम इसको वेरिएबल बोलते हैं. वेरिएबल एक आप, हाँ ये ऐसे समझो, मग है ना, मग देखा आपने बाल्टी के साथ, या बाल्टी समझ लो, बाल्टी बाल्टी में आप अगर चावल भी डाले हैं या फिर आप उसके अंदर पानी भी डाल दें या फिर उसके अंदर गेहूं डाल दें या फिर रंगीन पानी डाल दें, पर उसमें जो है कुछ जा रहा है, उसमें चाहे कुछ भी चला जाए, उसका काम क्या है, स्टोर करना. वैसे ही एक्स का काम क्या है, वेरिएबल को मतलब स्टोर करना, इसीलिए इसको हम वेरिएबल बोलते हैं. ठीक है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है पर एक्स तो एक्स ही रहेगा. एक्स का काम है स्टोर करना इंट का, जैसे बाल्टी बाल्टी का काम है स्टोर करना, वैसे एक्स का काम है इंटीजर टाइप का वेरिएबल मतलब डेटा स्टोर करना. ठीक है, आई होप आप समझिए. राइट, नेक्स्ट चीज, अभी मैं बोलता हूँ कि मुझे 10 को ऐड करना है किसी चीज़ से. अभी मैं सोचता हूँ, हाँ पहले एक और वेरिएबल बनाता है इंट वाई. वाई को मैंने जो है 20 टाइप किया, 20 टाइप किया. अब मैं सोचता हूँ कि एक और वेरिएबल बनाता है इंट, इसका नाम डालते हैं रिजल्ट, और रिजल्ट को हम इक्वल रखते हैं एक्स प्लस वाई. ठीक है, और मैं इसको x को हटा के मैं इसको रिजल्ट टाइप किया, देखते ही चलते हैं कि नहीं. ऑफ कोर्स चलेगा, क्यों नहीं चलेगा. ओके यस, चला, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और सॉरी, मेरा एंटर बटन जो है दब गया ज़्यादा. राइट, अभी हमने क्या देखा यहाँ पे, अभी हमने ये देखा कि x का वैल्यू 10 है, y का वैल्यू 20 है, और रिजल्ट को हमने इक्वल रखा x प्लस वाई का, और इसका वैल्यू आ गया 30. हमने क्योंकि क्यों आया 30, क्योंकि हमने इसको प्रिंट कराया, प्रिंट पे यहाँ पे रिजल्ट डाला. अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई इसने ऐसे क्यों लिखा रिजल्ट इक्वल टू एक्स प्लस वाई. हम लोग जब मैथ्स करते थे तब हम लोग ये सोचते थे एक्स प्लस वाई इक्वल टू रिजल्ट होता है. कंप्यूटर में अलग होता है, कंप्यूटर्स में या एटलीस्ट जावा में रिजल्ट जो है या फिर कोई वैल्यू जो लेता है वो लेफ्ट साइड पे होगा इक्वल का, और वैल्यू जो डेटा या फिर जो भी चीज़ें देता है वो राइट साइड पे होगा. ठीक, ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि बहुत बहुत गलतियाँ आ सकती हैं, सिंटैक्टिकल एरर हमेशा इसी चीज़ मतलब ज़्यादातर बहुत बार मतलब मेरे साथ कम से कम इतना हुआ कि क्योंकि मैं पहले समझता था कि x प्लस वाई इक्वल होना था, पर नहीं, कम से कम जावा में जो भी वैल्यू लेता है वो लेफ्ट साइड पे होगा और जो भी देता है वो राइट साइड पे होता है. ठीक है, ठीक है, राइट. मैंने आपको ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं आपको स्ट्रिंग्स इंट्रोड्यूस करूँगा कि स्ट्रिंग क्या होता है. चलिए देखते हैं, स्ट्रिंग इक्वल, ओप्स इक्वल नहीं, माइनस लगा दिया मैंने, इक्वल हेलो वर्ल्ड. ठीक है, और इसको मैं डिलीट करता हूँ. ठीक है,
तो अभी क्या आया, अभी ये आया कि मैंने स्ट्रिंग, सॉरी देखा गलती हो सकती है, इसको जी डाल दिया मैंने। ओके, स्ट्रिंग जी इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, तो मतलब जैसे एक्स था इंट टाइप का, वैसे जी है स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग जो अपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी है वो ऐसे के ऐसे ही ले लेगा। अगर मैं हेलो वर्ल्ड के जगह यू कोई नंबर डाल दूँ या फिर कोई लेटर्स डाल दूँ, ये कुछ भी ले सकता है। ये ऐसे है कि ये स्ट्रिंग इतना ही कहता है कि भाई तू इन्वर्टेड कॉमा लगा के तो उसके अंदर कुछ भी डाल दे। एक्सेप्शनल केसेस है, तीन चार चीज़ें जो है नहीं जाती, पर उसके अलावा 99% चीज़ें तू कुछ भी डाल दे, मैं उसको ऐसे ही प्रिंट कर दूंगा। स्ट्रिंग का काम यही है फिलहाल। अभी मैं डालता हूँ कि हाँ हेलो वर्ल्ड लिख दिया। और मैं इसको ऐसे प्रिंट करूँगा, जैसे मैं इसको कॉपी किया था यहाँ पे, स्ट्रिंग एस, सॉरी स्ट्रिंग जी। ठीक है, अभी क्या हो रहा है देखिए, पहले हमने इसको ऐसे के ऐसे रहने दिया, और इसके बाद जो है हमने मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया जी, और इसको इनिशियलाइज किया हेलो वर्ल्ड के साथ। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या बोल रहा है, डिक्लेयर कहाँ से आ गया, इनिशियलाइज कहाँ से आ गया। डिक्लेयर का मीनिंग क्या है? अगर मैं डिक्लेयर करता हूँ कि कल बंद है, कल छुट्टी है, तो मतलब कल छुट्टी है। अगर मैं डिक्लेयर करता हूँ कि जी नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल आ गया, तो डिक्लेयर हुआ है कि जी नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल आ गया, और जी को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ डेटा के साथ। मतलब हेलो वर्ल्ड एक डेटा है, उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ। अगर जी के अंदर जी कोई वैल्यू लेता है तो उसका इनिशियलाइजेशन होता है। जैसे एक्स का इनिशियलाइजेशन मैं कर रहा हूँ 10 के साथ, क्योंकि 10 जो है एक वैल्यू है जो एक्स ले रहा है। वाई को मैं इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ 20 के साथ। ठीक है, इससे आसान तरीके से मैं इसको समझा नहीं सकता। इसी के साथ हम लोग ये देखा कि सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन रिजल्ट प्रिंट होगा, जो एक्स प्लस वाई है जो 30 होगा, और अगले में मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको मैंने हेलो वर्ल्ड के साथ इनिशियलाइज किया, और मैंने कंप्यूटर को ये बताया कि भाई इसको प्रिंट कर रहा। तो मेरा हज़ार बार दोबारा लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको हज़ार बार बताया था, क्या बोल रहा हूँ मैं, चलो भूल जाओ, सॉरी, कभी कभी होता है मेरे साथ ऐसे। ठीक है, तो मैं अभी सी डी डेस्कटॉप पे आ गया, और मैं आपकी इसको जावाक बोल रही हूँ, जावाक फर्स्ट डॉट जावा। हाँ, कोई एरर नहीं है, और अभी मैं टाइप करूँगा जावा फर्स्ट। अभी मैं कंपाइलर, हमेशा याद रखो ये, अभी मैं कंपाइलर को बोल रहा हूँ जो ये वाला है फाइल है उसको प्रिंट कराओ। प्रिंट कराया तो आ गया हेलो वर्ल्ड और 30। कुछ गलती है, पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन रिजल्ट आनी चाहिए, उसके बाद हेलो आनी चाहिए। मैं इसको चेंज करता हूँ, सेट हेलो। ठीक है, देखते इसको दोबारा कंपाइल करते हैं, बस अब ठीक है। पहले कुछ गलती था, क्योंकि देखिए इसमें लॉजिकल एरर आ सकता था कहीं, क्योंकि हमने इसका पोजीशन जो है गलत बताया, क्योंकि पहले मैंने इसको रिजल्ट प्रिंट करने के लिए बताया, फिर मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए बताया था, पर उसमें उल्टा प्रिंट कर दिया। मतलब उसमें कोई लॉजिकल एरर आया, हाँ कंपाइल होके सही आया रिज़ल्ट जो है, ऑलमोस्ट सही, पर ऑलमोस्ट सही जो है कंप्यूटर के साथ नहीं चलता, क्योंकि प्रिसिशन होता है कंप्यूटर के साथ। प्रिसिशन मतलब एक्यूरेसी, मतलब कुछ भी जो आप समझे, बेसिकली कंप्यूटर कभी गलत नहीं हो सकता, तो इसलिए वहाँ पे कोई एरर था। अब मैंने इसको ठीक किया, दोबारा सेव किया, और जैसे